ससुमा आज मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। ओहो क्या बात है। ससुर जी आपकी चाय। हो गई भाई दूज की तैयारी? मैंने तो सब तैयारी कर दी है। दोनों बहनें कहाँ है? दोनों बहनें बिस्तर में है। और दोनों भाई? फटाके फोड़ रहे नीचे। क्या आजकल के जमाने के बच्चे। अरे बच्चे थे तो हमारे जमाने के, क्या उत्साह था उस समय। अरे दूर दूर से बहनें आती थी, अगर बहन नहीं आ पाई तो भाई जाता था। हमारा जमाना चला गया, अब मॉडर्न लाइफ आ गई है। बंद करो तुम्हारा मॉडर्न जमाना। सुन भाई जाओ उन दोनों को उठाओ। ठीक है ससुर जी, मैं उनको उठाती और तैयार करती हूँ। शीला, श्रेया, उठ जाओ जल्दी। भाई तुझे। भाई तुझे आज? हाँ भाई तुझे, भाई दोज। मेरी तो नींद भी नहीं हुई। और शीला तुम जरा आज ढंग के कपड़े पहनना। क्या कहना चाहती हो आप भाभी? मैं ढंग के कपड़े पहनती हूँ, लुक एट दिस। ऐसा नहीं बोल रही मैं, पर आज के दिन घाघरा या फिर साड़ी ऐसा कुछ पहनो। मेरे पास नहीं है कोई इंडियन कपड़े भाभी, जो है वो यही है। वो आप एक काम करो ना, मम्मी की साड़ी पहनो कोई। या श्रेया दैट्स नाइस आइडिया। भाभी मैं आपकी साड़ी पहनती हूँ। ससुमा की पहनो, ससुमा के पास बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ है। नो भाभी मम्मी की थोड़ी ओल्ड फैशन होगी, आपकी पहनती हूँ। नहीं नहीं हमारी ससुमा बहुत मॉडर्न है, उनकी साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी है। मैं तुमको दिखाती हूँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ, उनकी पहनना। भाभी मुझे आपकी पहननी है। मेरे पीछे पढ़ना है। What? मेरी पहननी है क्या? वैसे भी कहता है कपड़े बांटने से और प्यार बढ़ता है। ठीक है पहनो मेरी साड़ी पहनो। पर क्या है, मैंने सारी साड़ियाँ पहनी हुई है। अगर तुमको मेरी पहनी हुई साड़ी पहननी है। कोई बात नहीं भाभी, एक दिन की तो बात है। कितनी धीट है ये। भाभी दिखाइए ना साड़ी आपकी। दिखाती हूँ, पहले नहा के आओ। ओके भाभी मैं आती हूँ नहा के। काय गए माकर तुंडे, क्या जरूरत थी बोलने की मम्मी की साड़ी पहनो। क्यों मम्मी, इसमें क्या बुराई है? तुझे पता है ना कैसी है वो, जैसे ही मेरी साड़ी दिखेगी ना कुछ बुराई निकलेगी। बुआ इतनी भी बुरी नहीं है मम्मी। तुझसे पहले मैंने बहुत सारी बारिशें देखी है, मुझे पता है वो कैसी है, किस खेत की मूली है। अभी नई नई आई है इसलिए मैं चुप हूँ। थोड़ा सा इधर उसको रहने दो, फिर दिखाती हूँ। ससुमा क्या ये ना, सुबह हो ही नहीं कि फटाके। तंग आ गई हूँ मैं, अभी रात आएगी ना, रात को फोड़ने का। फटाके उड़ाने वाला आपका ही सन एंड हस्बैंड है। पता है मुझे। ससुर जी शीला नहाने गई है और श्रेया अभी बाकी है। ये क्यों आकर बता रही है? उन्होंने मुझे कहा था ना उठाने के लिए, मैंने दोनों को उठा दिया। हाँ तू बस लोगों की नींद खराब करने में माहिर है। तो कैसे ही सोने दे, त्योहारों का दिन है, सबको जल्दी उठना चाहिए। भाभी तुम अभी तक गई नहीं नहाने। सुन भाई तुमने तो कहा था ये नहाने गई है। हाँ ससुर जी मैंने बोला था, वो बाथरूम में चली भी गई थी, बाहर क्यों आ गई? आप मुझे पहले साड़ी दो। तुम ना क्या होना पहले, फिर देती हूँ साड़ी। नहीं भाभी आप मुझे पहले साड़ी दो, मैं साड़ी पहन के आती हूँ ना। मैं उसको साड़ी दे के आती हूँ, चल दिखाइए भाभी। अभी मैं तुम्हारी माँ जैसी इतनी मॉडर्न तो नहीं, पर मेरे पास जितनी साड़ियाँ है उतनी वैरायटी की दिखाती हूँ। कोई बात नहीं दिखाया, मैं देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आए तो ले लूंगी। शीला ये देखो तुम्हारे ऊपर अच्छा दिखेगा ये। भाभी ये ज्यादा ही ओल्ड फैशन लग रही है मुझे, और ऑरेंज मेरे ऊपर सूट नहीं करता। बुआ पर आपने तो ऑरेंज ही पहना है। श्रेया दिस इज नॉट ऑरेंज, दिस इज बेबी पिंक बेबी। इसलिए मैं बोल रही थी अपनी माँ से लाओ, उनके पास बहुत मॉडर्न साड़ियाँ है, मेरे पास सब ऐसी है। अभी तो एक ही साड़ी देखी है भाभी, और दिखाइए। ये देखो ये मैंने एक ही बार पहनी है। बहुत घटिया, इसलिए आपने एक ही बार पहनी है। ये अच्छी है, ये मैंने दो बार पहनी है। इसका रंग कुछ ज्यादा ही डार्क है, मेरी स्किन पे सूट नहीं करेगा वो। शीला मैंने तुमको सब अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाई, तुमको एक भी पसंद नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ और ही पहन लो। और नो मुझे साड़ी पहनने थे। बुआ आप वो साड़ी पहनो जो मैंने रक्षाबंधन के दिन पहनी थी, बहुत अच्छी साड़ी है वो। अच्छा कौन सी साड़ी है भाभी? वो नेट की है, वो पिंक कलर की, श्रेया ने पहनी थी। श्रेया अच्छी है ना वो साड़ी? बहुत अच्छी है, और आपको पता है मम्मी ने एक भी बार नहीं पहनी वो। फिर तो मैं वही साड़ी पहनूंगी भाभी। पर मुझे याद नहीं ना वो मैंने कहाँ पे रखी है। ओह नो भाभी ऐसा मत बोलिए, श्रेया तुमको पता है वो साड़ी कहाँ पे है? पता है मुझे, मैंने अपने हाथों से ऊपर के कोने में रखी है वो। ओ भाभी वो नहीं, वो पिंक पिंक है ना वो। क्या भाभी दिस इज नॉट गुड,
आपके ऊपर ही सारी थी और आप बोल रहे हो मुझे दिख नहीं दे। यही ना श्रेया? अच्छी है। हाँ भाभी बहुत अच्छी है, मैं यही पहनूंगी। पापा मुझे और फोड़ने हैं फटाके। रात होने दे फिर फोड़ेंगे। वैसे माँ चूड़ियाँ कैसी लगी आपको? हाँ मुझे काफी पसंद आई। बस आपको पसंद आई ना, इसी में मेरी खुशी है। ये औरतें कितना देर लगाएगी? बेटा थोड़ा टाइम लगता है तैयार होने में। क्या इतना टाइम लगता है, पिछले 30 मिनट से हम यहाँ पे आके बैठे। तू नहीं समझेगा, उसके लिए अगले जन्म में लड़की बनना पड़ेगा। शर्मिला अभी मैं क्या करूँ, वो तैयार हो रही है। तैयार होने में इतना टाइम? सजने से वरने में टाइम लगता है, आपको नहीं पता। तू भी मेकअप थोपा कर अच्छी दिखेगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। मेकअप की जरूरत सिर्फ रिजेस लड़कियों को है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये देखो मिस ब्यूटीफुल सच में मिस ब्यूटीफुल है, इसलिए सब उसे ब्यूटीफुल कहते हैं क्योंकि वो है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल शर्वरी जी बिना मेकअप के भी अच्छी दिखती है। कब देखा आपने उसको बिना मेकअप के? मैंने तो आज तक उसको बिना मेकअप के नहीं देखा। हर बार डार्क लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े आई शेडो और क्या कहते उसको, चॉम्पेट। क्या बात है श्रेया, क्या दिख रही है? श्रेया तो आज एकदम छोटी शर्मिला दिख रही है। हाँ शर्मिला से तो बहुत अच्छी दिख रही है। वाह श्रेया काफी अच्छी दिख रही है ना? हाँ आज तो पूरी चुड़ैल दिख रही है। ए भाई 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 शीला ये क्या कर दिया? पता नहीं कौन से ग्रह से आ गई है। भैया चुप बैठो आप जरा। शीला अगर तुमको साड़ी नहीं आती तो मुझे बोल देती, मैं पहना देती। भाभी मुझे नॉर्मल साड़ी आती है पर मुझे वो अच्छी नहीं लगती। ये देखो दिस इज माय स्टाइल, काफी कंफर्टेबल है, एकदम गाउन जैसा है यह। बहू तुझे स्टाइल का कुछ पता नहीं, बहुत अच्छी स्टाइल है उसकी। मुझे तो लगता है आज के बाद सबको ऐसी साड़ियाँ पहननी चाहिए। हाँ चलो अभी जल्दी से मनाती है भाई दुश। जल गई जलकुटी। शीला तुम बड़ी हो, तुम पहले करो। श्रेया छोटी है भाभी, उसको करने दीजिए। क्यों तुमको आता नहीं क्या करना, या भूल गए? मुझे सब याद है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे सब पता है कैसा क्या क्या करना है। पर श्रेया अभी छोटी है ना, तो उसको करने दो। बुआ आप करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। श्रेया करना। श्रेया कर बेटा, याद है ना तुझको सब? मैंने मेरी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, उसको सब रीति रिवाज पता है। श्रेया कर चल। श्रेया करना, याद है ना तुझे? हाँ मम्मी। मम्मी ये 9 का टेबल याद नहीं रख सकती, ये तो छोड़ी दीजिए। तुझे कुछ काम होता है, सब मुझे करना पड़ता है, एकदम चुप बैठ। बस नाक काट तू मेरी। थाली ऐसे कर, टीका लगा, छोटा लगा तू, बड़ा ही लगाऊंगी। वो नारियल की बाटी है ना, वो ऐसे गोल घुमाना। ये वाली अभी बोलो, इड़ा पिड़ा जाओ बड़ी से राज्य एओ, इड़ा पिड़ा जाओ बड़ी से राज्य एओ। ये ले, हर साल मिलता है मुझे। शक्कर दे शक्कर उसको। मुंह मत खोल, हाथ आगे कर। हो गया। ए चल गिफ्ट दे मेरा, यही मुझे पसंद नहीं। रक्षाबंधन पे राखी बांधती है इतने पैसे देती है, यहाँ पे ये देती है इतने पैसे देती है। तो बड़ा अपनी जेब से देता है, पापा के तो होते हैं। पापा को तो देने पड़ते ना अपने जेब से। भैया आप क्या उपकार करते हो, मेरा पूरा हक है उसके ऊपर। 500 रुपए। शीला अब देख लिया ना सब, जाओ तुम करो। भैया मेरे राखी के बंधन। शीला रक्षा बंधन नहीं भाई दूज है, भैया तो सेम ही है ना। चल चल जल्दी कर, टाइम जा रहा है। भाभी बराबर कर रही हूँ ना मैं? हाँ खूब जियो और दूसरों को भी जीने दो। अब क्या कर रहे हैं मम्मी? इड़ा पिड़ा जाओ बड़ी से राज्य एओ, इड़ा पिड़ा जाओ बड़ी से राज्य एओ। अगर मैंने नहीं दिए तो? आपकी हर चीज पर मेरा हक है, इस घर पर भी मेरा हक है। घर पे? हाँ भाभी घर पे।
बराबर बोल रही है वो, इस घर की बेटी है, इस घर के ऊपर उसका भी हक है। वो सब बात तो ठीक है सुमा, पर कभी ना कभी तो शीला की शादी होगी। भाभी मैं नहीं करने वाली शादी। बुआ मैं भी नहीं करने वाली शादी। सेम पिंच तो क्या यही पे रहोगी?